नमस्कार। आज हम अंग्रेजी के कुछ और डिफिकल्ट वर्ड लेके आए हैं जो पढ़ने में काफी यूं तो आसान होते हैं लेकिन कंफ्यूज कर देते हैं, जिसमें हम देखेंगे OUGS, उसका फ बनता है, जैसे टी का बनेगा ट, OUGS का बनेगा फ। TOUGS को पढ़ेंगे टफ, उसी प्रकार सी का बनेगा क, OUGS का बनेगा फ। COUGS का बनेगा कफ, उसी प्रकार ROUGS का बनेगा रफ। ई का ENOUGS का बनेगा एनफ और LOUGS का बनेगा लव। उसमें WOULD का बनेगा उड, उ की ये मात्रा होती है और ड का ड होता है, जैसे W का बना व, OULD का बनेगा उड, तो उ की मात्रा ये लग जाएगी, हो जाएगा ड तो हो जाएगा बुड। उसी प्रकार C का बनेगा क, OULD का बनेगा कुड, तो हो जाएगा COULD का कुड। SS का बनेगा स, OULD का बनेगा उड, तो हो जाएगा सुड। IRE का बनेगा आयर, तो W का बन जाएगा व और आ की ये मात्रा होती है य और र, तो ये YWIRE का बन जाएगा वायर। उसी प्रकार FI हो जाएगा फायर, FIRE का हो जाएगा फायर। SPIRE का हो जाएगा स्पायर। EXPIRE का हो जाएगा एक्सपायर और DESIRE का हो जाएगा डिजायर। हमने देखा OUGS का बनेगा फ, जिसमें TOUGS का देखा टफ बना, COUGS का कफ, ROUGS का रफ, ELOUGS का एनफ और LOUGS का लफ। OULD का उड बनता है, जिसमें WOULD का वुड, COULD का कुड, SSOULD का सुड और IRE का हमने आयर पढ़ा, जिसमें WIRE का वायर, FIRE का फायर, SPIRE का स्पायर और EXPIRE का एक्सपायर, DESIRE का डिजायर बना। आशा करता हूँ ये वर्ड अंग्रेजी पढ़ने में काफी मददगार साबित होंगे।